गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आशीष आपका मैकेनिकल का टीचर। जैसे कि आप लोगों को मैंने अपने डेमो लेक्चर्स में एक शूट किया था, वीडियो शूट किया था कि उसमें मैं मैकेनिकल के फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आरएसी फोर्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन, ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिक्स सेमेस्टर में आप लोगों के सब्जेक्ट देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों को सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट डील करने हैं। तो जिसमें आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आप लोगों का, एक मिनट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सेकेंड है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में MMI बोलते हैं। और थर्ड है CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन, जिसको मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, CNC मशीन एंड ऑटोमेशन, ये प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल दोनों ब्रांच के लिए कॉमन है। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस रिपेयरिंग, ये ऑटोमोबाइल ब्रांच के लिए है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये CAD ब्रांच के लिए है। टूल इंजीनियरिंग जो है ये मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए है। ये जो सब्जेक्ट है लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली फॉर प्रोडक्शन, तो ये जो सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग ये मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए है। दैट आफ्टर रेफ्रिजरेशन प्लांट जो है ये RAC जो ब्रांच होती है मैकेनिकल में उसके लिए है। देन आफ्टर आपका प्रोजेक्ट वर्क वगैरह है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स में से जो सब्जेक्ट आपका ये है तीसरा सब्जेक्ट CNC मशीन एंड ऑटोमेशन, ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सिलेबस की बात करें, क्योंकि सिलेबस का ओवरव्यू हम लोगों को पता होना जरूरी है कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या है सब्जेक्ट में। तो इसमें टोटल आपकी 7 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि CNC मशीन, क्योंकि देखो मशीन जो है मशीन ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन पे चलती है सारी CNC NC जो मशीन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ऑटोमेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ऑटोमेशन क्या होता है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों का जो कवरअप होगा पोर्शन वो ऑटोमेशन के बारे में, CNC मशीन क्या होती है, ये सारी चीज़ें के बारे में, CNC मशीन के एलिमेंट्स टाइप्स और कौन कौन सी ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें हैं जिनका यूज़ हम इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है, चीज़ें ऑटोमेटिक क्यों हुई हैं, अगर चीज़ें ऑटोमेटिक हुई तो कहीं ना कहीं हमारा मैन पावर जो है कम हुआ है। जहाँ पे हमारे 10 मैन पावर काम करते थे, 10 आदमी काम करते थे, वहाँ पे अब एक मशीन काम कर रही है, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक दो बंदे हमको चाहिए जो हाईली स्किल्ड, यानी कि अच्छी तरीके से उनको चीज़ें आनी चाहिए। तो उस बेस पे चीज़ें थोड़ी कोई कहीं ना कहीं पे तो ड्रॉबैक है कि हमारा ऑटोमेशन क्यों आया है, ऑटोमेशन के बेस पे हमारा जो मैन पावर है वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि ऑटोमेशन का क्या रोल है हमारी इंडस्ट्री वगैरह में। सेकेंड जो चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड टूलिंग, कि CNC मशीन की कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन उसकी संरचना क्या है, और उसमें टूलिंग, टूलिंग का मतलब होता है जो कटिंग टूल हम लोगों का जो मशीन पर काम करता है सरफेस को कट करने का, वो हमारा टूलिंग में आ जाएगा, उसका कैसे कैसे काम किया जाना है। देन आफ्टर थर्ड जो है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग है, इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स भी कैरी करता है, इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में पार्ट्स प्रोग्रामिंग वाला। चौथा है सिस्टम डिवाइसेस, देखिए सिस्टम का मतलब हो गया CNC मशीन या NC मशीन या DNC किसी भी टाइप की ऑटोमेटिक मशीन हो जाती है, वो सिस्टम हो जाएगा। बाकी डिवाइसेस का हो जाएगा कि उसमें ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस इंस्टॉल की गई हैं, ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो उसके साथ लग के काम कर रही हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग से डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सेंसर्स हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, ट्रांसपॉन्डर्स हो गया, एक्चुएटर्स हो गया, ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो CNC मशीन के साथ रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है, अब क्योंकि मशीन है ऑटोमेटिक है, टोटली कंप्यूटराइज्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी मशीन है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइसेस प्रॉब्लम जरूर आएंगी जो हमें देखने को मिलेंगी। तो पांचवें चैप्टर में हम लोग प्रॉब्लम्स इन CNC मशीन, यानी कि CNC मशीन में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस होंगी वो हम लोग यहाँ पे इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑपरेशन करने के दौरान या किसी भी तरीके का प्रोडक्शन अगर वो मशीन कर रही है, उस मशीन से किसी भी टाइप का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे, तो उसमें पांचवें चैप्टर में ये कवर किया जाएगा। सिक्स चैप्टर जो है वो है ऑटोमेशन एंड NC सिस्टम, NC यहाँ पे न्यूमेरिकल कंट्रोल है। ठीक है, ऑटोमेशन क्या होता है, इस वाले चैप्टर को जो है मतलब चैप्टर समझ लीजिए या पर्टिकुलर इस टॉपिक को समझ लीजिए कि ऑटोमेशन ये जो टॉपिक है इसको मैं शुरुआत में पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए ऑटोमेशन का मतलब ही होता है चीज़ें ऑटोमेटिक होना। अब मशीन क्योंकि CNC ऑटोमेटिक मशीन है, तो सबसे पहले हमें ये पता पढ़ना चाहिए ना कि ऑटोमेशन क्या होता है, कि ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती हैं वो कैसे की जाती हैं, ऑटोमेशन का मेन मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको, उसमें मैं ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो चैप्टर है वो है CNC ऑपरेशन इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मिलिंग। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ दो ही टाइप की मशीन के बारे में डिस्कस है आपके सिलेबस में, वो है एक टर्निंग यानी कि लेथ मशीन वगैरह के बारे में और मिलिंग मशीन के बारे में, क्योंकि अपने आप में एक ऑपरेशन भी है
और टर्निंग क्योंकि लेथ मशीन पे की जाती है तो सीएनसी लेथ के बारे में पढ़ेंगे, और मिलिंग है तो सीएनसी मिलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीएनसी ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो टर्निंग करने में और मिलिंग करने में इन्वॉल्व होते हैं सीएनसी वाले मशीन में। ठीक है, तो वन बाई वन हम लोग इस चैप्टर को फिनिश अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी। डीएनसी मशीन क्या है, सीएनसी मशीन क्या है, एनसी क्या है, एनसी पहले है या सीएनसी पहले है या डीएनसी पहले है, वो वन बाई वन। क्योंकि देखिए अगर एनसी मशीन है तो ये पहले आई है या ये पहले आई है, ये पहले आई है। अगर एनसी है तो सीएनसी क्यों का यूज क्यों है, सीएनसी है तो एनसी का यूज क्यों है, डीएनसी का यूज क्यों हुआ है, तो हमें ये पता पड़ना चाहिए। हम लोग मशीन तो पढ़ रहे हैं लेकिन मशीन के अल्टरनेट पर दूसरी मशीन भी आ रही है, अपडेटेड फॉर्म में आ रही है, अपडेटेड वर्जन में आ रही है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि अगर एनसी मशीन है तो हम लोग सीएनसी मशीन क्यों लेकर आए हैं, या सीएनसी है तो डीएनसी मशीन क्यों लेकर आए हैं। तो उसका हमें रीजन पता होना चाहिए। इन मशीन के एडवांटेजेस क्या है, लाभ, डिसएडवांटेज, हानियां क्या है, एप्लीकेशन यानी कि इनके अनुप्रयोग क्या है, इंडस्ट्री में इनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है आप लोगों का, देखो अगर मैं बेसिक बताऊं तो इसमें ज़्यादा एग्जाम में इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आप लोगों का। मेस्टली मोस्टली जो पूछा जाएगा वो एनसी, सीएनसी, डीएनसी मशीन्स के बारे में ही पूछा जाएगा। इन हो सकता है इनमें से आप लोगों का 5 नंबर में या 5 मार्क्स में आप लोगों का इसमें से अंतर पूछ ले जाए, डिफरेंस कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी मशीन, या दो में से किसी एक मशीन को हटा देगा, दो में से अंतर पूछ लेगा। ठीक है, या फिर किसी का नाम देके उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में पूछ लेगा, या किसी एक नाम मशीन के बारे में पूछ के उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन के बारे में पूछ लेगा। तो इसमें से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लास्ट ईयर के पेपर भी अगर आप लोग देखोगे तो उसमें मोस्टली सीएनसी, एनसी, डीएनसी मशीन का बेसिक इंट्रोडक्शन ही पूछा गया है कि ये मशीन क्या होती है, इसका यूज क्या है इंडस्ट्री में और इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज बताइए, या फिर अंतर पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मशीन कंट्रोल यूनिट। इसको हम लोग MCU, शॉर्ट फॉर्म में MCU बोलते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये इसमें सीएनसी, एनसी, डीएनसी मशीन में कहाँ यूज होती है। वैसे तो ये मशीन कंट्रोल यूनिट जो है ये ब्रेन बोला जाता है मशीन का, जैसे हम लोग सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, उसी तरीके जो जो सीएनसी मशीन है या डीएनसी मशीन है उसका एक ब्रेन मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, MCU के फॉर्म में होता है वो। इनपुट डिवाइसेस, अब इनपुट डिवाइसेस आप लोगों को पता होगा, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म में होता है। अब सीरियल, अब देखिए कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन एंड इथरनेट कम्युनिकेशन या इथरनेट टेक्निक्स, हम लोग जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, जैसे कि मैं अगर यहाँ आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरा जो वॉइस है या मेरा जो वेव्स हैं, साउंड जो वेव्स हैं या जो भी चीज़ें हैं जो आप तक पहुँच रही हैं वो किसी न किसी कम्युनिकेशन के मोड से या कम्युनिकेशन मीडियम से पहुँच रही हैं। ठीक है, तो सीएनसी मशीन या कोई भी ऑटोमेटिक मशीन है वो जब ऑपरेट होती है तो उस पर जो डेटा पहुँचता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है, हम लोग उस पर जाके अपने हाथ से तो कुछ चीज़ें करते नहीं है, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं, सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वो डेटा या कम्युनिकेशन या जो हमारा संदेश होता है वो मशीन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंच रहा है, किस टेक्निक से पहुंच रहा है, तो वो हमारा कुछ कम्युनिकेशन का मोड है। उसमें पहला मोड सीरियल कम्युनिकेशन है और दूसरा एक टेक्निक है ईथरनेट टेक्निक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का सीएनसी का, वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स में मैकेनिकल के कवर अप करूंगा लेकिन सीएनसी क्योंकि यूट्यूब पर है तो आप लोग इसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर, ये टॉपिक जो मेरा मतलब पढ़ाने का जो वे है वो आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि देखिए आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं, आप लोग इस चीज़ को समझते हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो सिलेक्शन ऑफ द कंपोनेंट टू बी मशीन ऑन सीएनसी मशीन। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, देखिए नॉर्मली जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन में हम लोग किस किस टाइप की टर्निंग या फिनिशिंग कर सकते हैं, हर टाइप का मटेरियल तो उसमें यूज नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिटिल होते हैं, ब्रिटिल बोल देते हो, जैसे कि भंगुर, आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी में, भंगुरता या ब्रिटिलनेस। उसमें क्या होता है कि अगर उस पर हल्का सा फोर्स या मतलब फोर्स लगाया जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जैसे कि शीशा होता है वो ब्रिटिल है। ठीक है, आप उसे गिरा दोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में, कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो अब हम लोग उसकी टर्निंग तो लेथ मशीन के ऊपर नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे स्पेसिफाइड मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसकी मशीनिंग हम लोग लेथ मशीन पर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ सिलेक्टेड कंपोनेंट्स हैं जिनकी मशीनिंग हम लोग सीएनसी मशीन के द्वारा करते हैं। ठीक है,
उसके कुछ पैरामीटर्स भी हैं, वो सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स विद कन्वेंशनल एनसी, यानी कि अब एनसी मशीन्स और सीएनसी मशीन्स ऑपरेशन करने के दौरान किन किन टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें पता पड़ेगा, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट इन एनसी, अगर अभी जो एनसी आप लोग इंडस्ट्री में, जैसे आपकी अगर डिप्लोमा के बाद जॉब लगती है तो हो भी सकता है कि आप एक सीएनसी मशीन ऑपरेटर या एनसी मशीन ऑपरेटर बनते हैं, तो उसमें आप लोगों को न्यू डेवलपमेंट क्या देखने को मिलेगा, वो आप लोग वहाँ पर कंपनी में जब जाओगे तो आप लोगों को हो सकता है कि उसी कंपनी में वही काम हो रहा है, सेम वही काम दूसरी कंपनी में हो रहा है उसी सीएनसी मशीन से, लेकिन अपडेटेड फॉर्म में वो आपको तलाशना पड़ेगा, ठीक है। तो एनसी सीएनसी मशीन में न्यू डेवलपमेंट क्या हो सकता है, वो आप लोग जैसे जैसे मशीन से अवेयर हो जाओगे, मशीन पर प्रैक्टिकली काम करना सीख जाओगे, तो आप लोग खुद से चीज़ें डिज़ाइन करना सीख जाओगे, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग ड्राॅइंग वगैरह बनाते हो तो ड्राॅइंग वगैरह में आप लोग देखते हो कि ये चीज़ें हमने मतलब 3D में बना दिया, फिर 2D में बनाया, या 2.5D, जैसे हमें जिस डायमेंशन में हम लोग देखना चाहते हैं, तो हम अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग या हम अपनी इच्छा के अनुसार जैसी चीज़ें हमें कंफर्टेबल लगती हैं वैसी चीज़ें हम डिज़ाइन कर देते हैं। तो उसी तरीके से एनसी और सीएनसी मशीन्स में हम न्यू अपडेटेड फॉर्म क्या ला सकते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएँ, टाइम कंज्यूमिंग, जो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ को करने में, तो वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाएँ, ठीक है, टाइम कम हो जाए और हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी मिले। नेक्स्ट है एक्सिस आइडेंटिफिकेशन। एक्सिस आइडेंटिफिकेशन का मतलब वही होता है कि हमारा जो मतलब उसमें स्पिंडल है या कटिंग टूल है वो किन किन एक्सिस पे हमारा मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इसमें हम लोग एक्सिस आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड लास्ट जो यूनिट का टॉपिक है वो है PLC कंपोनेंट कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट्स। PLC का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। PLC एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हम लोगों के मतलब CNC मशीन, NC, DNC मशीन में यूज़ किया जाता है, कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। PLC कंट्रोल क्या है और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे वन बाई वन करके। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से पहले। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि इसमें हम लोग CNC, DNC मशीन, ये तीनों ही जो मशीनें हैं वो क्या है अपने आप में, ऑटोमेटिक मशीन है। तो सबसे पहले मशीन से पढ़ने से पहले हमें ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले ऑटोमेशन के बारे में। थोड़ा सा बेसिक उठा लेते हैं ऑटोमेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम सीएनसी एनसी मशीन पर बढ़ेंगे आगे की तरफ। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वचालक, स्वचालित या स्व स्वचालन सॉरी। तो ऑटोमेशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्योंकि सीएनसी और एनसी जो मशीन है वो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। तो ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन का जो मेनली यूज़ होता है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। ऑटोमेशन की वजह से ही मैन पावर कम हुई है, ठीक है। मैन पावर कहाँ, पहले 10 लोग लगते थे एक काम को करने के लिए, वहाँ अब एक ही आदमी लग रहा है, वो भी किस लिए लग रहा है, सिर्फ मशीन को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। मशीन को ऑपरेट, वो प्रोग्रामिंग सीख जाएगा, उसकी ऑपरेटिंग सीख जाएगा, डिजाइनिंग वगैरह सीख जाएगा, तो एक आदमी सफिशियंट है एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए। कहाँ पहले उस मशीन की जगह पर 10 आदमी लगते थे एक काम को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब भी हुई है और कहीं ना कहीं आसान भी हुई है, क्योंकि अगर हमारी एक मशीन यूज़ की जा रही है ऑटोमेटिक, तो टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया, टाइम हमारे को किसी भी काम को करने के लिए हमको कम मिल रहा है। एक्यूरेसी यानी कि उसकी जो मतलब एक्यूरेसी है, दक्षता जो हमको दिखाई दे रही है बहुत एफिशिएंटली दिखाई दे रही है। एरर जो त्रुटि है वो हमारी जीरो एरर आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदे भी हैं, कहीं ना कहीं नुकसान है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले ऑटोमेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑटोमेशन एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए प्रोडक्शन एंड ऑटोमेशन का जो रिलेशन है वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन और ऑटोमेशन इंडस्ट्री से मतलब किस तरीके से जुड़ा हुआ है कि इंडस्ट्री वह स्थान है। अब ये बात आती है कि इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही है, इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री वाला पता होना चाहिए इंडस्ट्री क्या है। तो हम लोग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक छोटा सा डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम समझ लीजिए, उसके बेस पर आप समझ जाएंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है। इसको हम 5M टेक्निक बोलते हैं,
मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और लास्ट मार्केटिंग। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्लानिंग। इसके सामने सामने नहीं है, ये एक सीरीज चल रही है, ठीक है? आप लोग ये मत समझिए कि मैन के सामने प्लानिंग, मशीन के सामने कंट्रोलिंग, ऐसा नहीं है। ये एक सीरीज जैसे चल रही है, 5M, यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केटिंग। उसी तरीके से ये प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये एक इंडस्ट्री में वर्क किया जाता है, उसके बेस पे क्या क्या चीजें रहती हैं उसमें, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग। अभी मैं सारी चीजें हिंदी में भी बता दूंगा, परेशान मत होइएगा कि सर इंग्लिश में है सारी चीजें। देखिए, मैन तो आप लोग समझ रहे हो, मशीन समझ रहे हो, मटेरियल यानी कि आपका रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या रहता है, ठीक है? मनी यानी कि पैसा, मार्केटिंग यानी कि आप लोग जो चीजें, प्रोडक्ट बन गया, अब उसे मार्केट में कैसे उतारोगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। प्लानिंग यानी कि नियोजन, कैसे कैसे प्लानिंग करोगे आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को शुरुआत से लेके एंडिंग तक उतारने के लिए, कैसे कौन कौन सी चीजें कंट्रोलिंग में रहनी चाहिए, कैसी नहीं, कोई चीज लिमिट से ऊपर हो जाएगा तो हम लोगों को लॉस हो जाएगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा, तो कौन कौन सी चीजें कंट्रोलिंग में होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिंग, किसी चीज को उतारना या किसी चीज को करना, कि अगर हमने कोई प्लान बनाया किसी भी काम को करने के लिए, तो उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे सामने वाले को समझाओगे, कैसे उतारोगे उस प्लान को, ताकि हमें चीजें देखने को मिले, तो उस चीज को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग करना, ठीक है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग। उसके बाद है हमारा मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, लर्निंग फेज में हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर मोटिवेशन नहीं है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मोटिवेशन के, देखिए डिफरेंट टाइप की वीडियोज़, कई सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, कुछ लोग वहाँ से मोटिवेट होते हैं, लेकिन मोटिवेशन का अगर मेनली एक चीज़ देखा जाए, तो अगर एक क्वोट है, मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि नो वन कैन मोटिवेट यू अनटिल यू मोटिवेट बाई योर सेल्फ। मतलब आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हो, ठीक है? IMED में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट IMED पढ़ा हुआ, मोटिवेशन टॉपिक भी था, तो मोटिवेशन आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, देर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री में मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? मोटिवेट नहीं होंगे, अगर आप अपने काम के लिए मोटिवेट नहीं हो, तो डेफिनेटली आप लोग उतना इफिशियंटली वो काम नहीं करोगे। इनपुट तो दोगे, लेकिन आउटपुट वो नहीं आएगा जो आप चाह रहे होगे, ठीक है? तो मोटिवेशन वो है, तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, नो वन कैन मोटिवेट यू, जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हो, अनटिल यू मोटिवेट बाई योर सेल्फ, ठीक है? तो खुद से मोटिवेट होना जरूरी है। बाकी लेक्चर्स तो एक माध्यम है, वीडियोज तो एक माध्यम है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत मॉरल सपोर्ट मिल सके, ठीक है? उस बेस पे तो मोटिवेशन वो हो गया। उसके बाद आया था आपका मैनेजमेंट, उसको मैनेज कैसे करोगे, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फाइनेंशियली मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद जो हमारा ये 5M, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिफरेंट टाइप के हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गए, इसके बाद जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? इसे हम लोग बॉक्स में बंद कर दें, सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड लास्ट मार्केटिंग। तो इसमें हमारे ये क्या है, ये हमारे 5M टेक्निक है, ठीक है? इसमें अब प्लानिंग, कंट्रोलिंग होगी, ये कैसे कैसे होगी मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। आप लोग सोच रहे होंगे सर सब्जेक्ट तो CNC मशीन का है, ये कहाँ से आ गया इसमें? क्योंकि CNC मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन है, और किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिक करने के लिए कुछ प्रोसीजर, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? एकदम से चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं हो जाएंगी। मान लीजिए आप लोगों ने अपने डिप्लोमा में, वर्कशॉप के लेक्चर्स में लेथ मशीन ऑपरेट करी होगी, जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, वो मैनुअली होती है, आप लोग उसे खुद ऑपरेट करते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग थ्रेड काटोगे, यानी चूड़ियाँ काटोगे किसी भी शाफ्ट में, तो आप लोग उस मशीन को ऑटोमेटिक, मतलब कि ऑटोमेशन मोड पर ले आते हो, जो हमारा लीड स्क्रू होता है उसे, कि वो क्या करते हैं, हमसे ऑटोमेटिक कर देते हैं, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, शाफ्ट पे चूड़ियाँ या थ्रेड्स कटती चली जाती हैं। तो आप लोगों ने मैनुअली से लेके ऑटोमेटिक तक का बीच का जो प्रोसीजर किया, आप लोगों ने गियर चेंज किए या कोई ऐसी एक्सिस आइडेंटिफिकेशन, उसमें भी आप लोग XYZ लगा होता है, एक्सिस आइडेंटिफिकेशन उसमें किया होगा,
तो हम लोगों ने बिना वो प्रोसीजर किए हम लोग चूड़ी नहीं काट पाएंगे। अगर आप लोग एक एक चूड़ी खुद हाथ से काटोगे, आप लोग उसमें है ना जो क्रॉस स्लाइड होता है, कंपाउंड स्लाइड होता है, तो उसे आप लोग हाथ से ऑपरेट करोगे, हाथ से चलाओगे, तो मे भी हो सकता है उसमें एरर आने की संभावना है। उसी एरर को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑटोमेशन किया, ऑटोमेशन, ठीक है। तो ऑटोमेशन उसमें भी होता है लेकिन बहुत छोटे लेवल पे होता है, चूड़ियाँ काटते समय, थ्रेड्स काटते समय। तो मैनुअली से लेके उस ऑटोमेशन तक का जो प्रोसेस होता है वो यही प्रोसेस होते हैं। प्लानिंग क्या हुआ, आपने कि पहले क्या सोचा होगा, फिर कंट्रोल कैसे करोगे, मान लो चूड़ियाँ ज़्यादा कट गई या पिच ज़्यादा हो गया तो उसे कंट्रोल कैसे करोगे, एग्जीक्यूट आपने जो सोचा पहले से प्लान को कि मैं चूड़ियाँ ऐसे ऐसे काटूंगा, ये स्टेप फॉलो करूंगा, पिच ये होना चाहिए, बीच की डिस्टेंस ये होनी चाहिए, तो वो प्लान करोगे तो फिर उसके बाद से एग्जीक्यूट करोगे, उस प्लान को उतारोगे, ठीक है। फिर मोटिवेशन, अब मोटिवेशन अगर आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है, आपको चूड़ियाँ काटना ही नहीं आता है, ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होगा, आप अपने किसी सीनियर से या किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी से समझोगे, पूछोगे कि सर मुझे चूड़ियां काटनी है तो आप मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए इस चीज के लिए, मुझे बताइए कि मुझे चूड़ियां कैसे काटो, तो वो क्या मोटिवेशन वाला पार्ट उसमें आ जाएगा। और मैनेजमेंट, वो सारी चीजें मैनेज करके आपको बता देगा कि भाई मशीन से ऐसे ऐसे दूर रहना है, इतना टच में रहना है, इतनी दूरी बनाए रखनी है, वर्क पीस अगर यहां तक पहुंच जाता है कटिंग टूल तो मशीन बंद कर देनी है, ऐसे ऐसे, तो वो सारी चीजें मैनेजमेंट में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। यही काम क्या रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो काम है यही काम होता है एक इंडस्ट्री का, या कह सकते हो कि ये जो काम होता है ये एक इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल वर्क बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, फाइनली आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भी एक बेसिक डायग्राम है ऑटोमेशन को समझने के लिए, इंडस्ट्री को समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के लिए की जाती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो कि मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केटिंग। देखिए बिना मैन पावर के कुछ नहीं हो सकता, मशीन के भी कुछ नहीं हो सकता, मटेरियल नहीं होगा, रॉ मटेरियल कच्चा माल नहीं होगा तो हम लोग ऑपरेशन किस पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मनी नहीं होगा तो हम लोग मटेरियल मशीन को परचेस नहीं कर पाएंगे। और मार्केटिंग, मार्केटिंग सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट, जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे तो उसको मार्केट में कैसे उतारा जाएगा, तो वो मार्केटिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। प्लानिंग कैसे की जाएगी, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग, मोटिवेशनल एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में की जाती है। तो प्रोडक्शन एंड ऑटोमेशन का जो रिलेशन है जो है वो इंडस्ट्री में रहता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री हमारा ये टाइप हो गया। अब इंडस्ट्री में और क्या काम होता है, हमारा रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल हम लोगों ने सोर्स यानी कि स्रोत से लिया, उस पर डिफरेंट टाइप के प्रोसेस किए, मैकेनिकल प्रोसेस, ये तो हमारे मैनेजमेंटल वाले प्रोसेस हो गए, हमने उस पर डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल प्रोसेस किए, जैसे कि कटिंग किया, मेजरमेंट किया, मार्किंग किया, फिर मशीनिंग किया, ठीक है, फिर इंस्पेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा तो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक का जो बीच का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करना या प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट होती है। जैसे कि ये वाली यूनिट कटिंग का काम करेगी, ये वाली यूनिट मेजरमेंट का काम करेगी, ये वाली यूनिट कटिंग मार्किंग का काम करेगी, फिर मशीनिंग वाली यूनिट में चले जाएंगे, तो वो डिफरेंट टाइप की यूनिट्स उसमें लगी होती हैं, इकाइयाँ जिनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सारी रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक का जो बीच का ये प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोमेशन को हम लोग समझने के लिए एक चीज़ करते हैं, जैसे कि ऑटोमेशन एक तरह की मतलब आर्ट है, मतलब एक कला है। किसकी आर्ट, मतलब आर्ट क्या रहती है, जैसे ऑटोमेशन प्रोडक्ट की वह कला है जिसके अंतर्गत हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये सारी ब्रांच का कंबाइंड यानी कि कॉम्बो इफेक्ट देखने को मिलता है। एक रोबोट होता है ना, रोबोट, रोबोट कैसे काम करता है, अगर वो वर्किंग कर रहा है हाथ और पैरों से वर्किंग कर रहा है तो ये मैकेनिकल ही हो गया, ठीक है। वो वर्किंग किसकी हेल्प से कर पा रहा है, उसको ऐसा क्या प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे वो वर्क कर पा रहा है, किसी चीज़ को उठा पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का रोल प्ले होता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजे जा रहे हैं तो किसी डिवाइस के थ्रू तो भेजे जा रहे होंगे, ऐसे थोड़ी हवा में वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आ रहे होंगे, तो जिस डिवाइस के थ्रू वो भेजे जा रहे हैं, कंप्यूटर से भेजे जा रहे हैं, ऐसी कौन सी डिवाइस है, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस यानी इंजीनियरिंग ब्रांच का रोल होता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो ऑटोमेशन है या ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, वो किस किस का कॉम्बो इफेक्ट होती है, पहला मैकेनिकल, दूसरा
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड तीसरा कंप्यूटर साइंस। इन तीनों के कॉम्बो इफेक्ट से, इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑटोमेटिक मशीन को चलाने के लिए इन तीन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके एक ऑटोमेटिक मशीन परफॉर्म होती है या उससे वर्क परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मशीन जैसे कि मान लीजिए एक रोबोट है, रोबोट में ऐसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता सकूँ, तीनों का कहाँ कहाँ रोल प्ले हो रहा है। मैकेनिकली वो अगर किसी भी तरीके की मैकेनिकल एक्टिविटी कर रहा है, किसी चीज़ को उठा रहा है, किसी चीज़ को कट कर रहा है, ठीक है, तो वो किस में आता है, मैकेनिकल एक्टिविटी में। या समझिए उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर, जो उसकी बॉडी का जो डिज़ाइन किया जाएगा वो किसके अंदर आएगा, मैकेनिकल के अंदर आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उसको जो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, वो डायरेक्टली उसके अंदर ब्रेन तो है नहीं है मशीन के अंदर, बस यही एक खासियत समझ लीजिए, ड्रॉबैक समझ लीजिए, मशीन के अंदर ब्रेन नहीं होता। ब्रेन की तरह काम करता है एक डिवाइस जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। सीएनसी के केस में वो होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, एमसीयू जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेन नहीं होता, वो ब्रेन की तरह एक डिवाइस काम करता है। तो अब उसको सिग्नल कैसे भेजे जा रहे हैं किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को उठाने के लिए, तो उठाएगा कैसे वो सिग्नल के थ्रू, वो हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स में उसको सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, वेव्स के फॉर्म में उसके पास सिग्नल्स जाते हैं। और अब सिग्नल को भेजेगा कौन, ऐसा तो है नहीं हवा में मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में उसके पास सिग्नल आ जाएगा या कैच कर लेगा। ठीक है, वो चीज़ अलग होती है, कैच भी किए जाते हैं सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, लेकिन अब हमारे पास क्या करेंगे उस टाइम, हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करेंगे या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच का नॉलेज होना चाहिए, तब इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से हमारा एक ऑटोमेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक ऑटोमेशन होता है। अब इस ऑटोमेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्स, समझ लीजिए एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। आई होप ऑटोमेशन आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि देखिए लेक्चर्स में कितना टॉपिक कवर कराएगा वो मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा कि आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे। लेकिन लेक्चर को आप लोग एक दो बार सुन लेंगे, एक दो बार उसे नोट कर लेंगे जो मेन मेन टॉपिक्स मैंने, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी या नोट्स में नहीं मिलेंगे। कई चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्जाम्स में जो पूछ ली जाती हैं कि सर ने यार ये लेक्चर में बोला था, मतलब वर्बली बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, हो सकता है वो बुक में ना हो, सिलेबस में ना हो, लेकिन वर्बली बोला था और वही वर्बली वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया। अब आप लोग कहोगे सर सिलेबस से तो आउट पेपर आया, सिलेबस से कभी पेपर आउट नहीं आता। आप लोग कितना पोर्शन कवर कर रहे हो, ठीक है, सिलेबस से हटके भी थोड़ा चलिए, चीज़ों को ज़्यादा वाइड में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मानता हूँ सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर में आप लोगों को उतना टाइम नहीं होता, उसमें मतलब डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, कॉलेज एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन कोशिश ही कीजिए कि आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन में क्या रहेगा, यानी कि हम लोग इसे पार्ट्स भी बोल सकते हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इंग्लिश में तो आप लोग इसे पार्ट्स भी बोल सकते हो, पार्ट्स ऑफ ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेशन के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, ऑटोमेशन के देखिए मेनली जो पार्ट्स रहते हैं वो तीन पार्ट्स रहते हैं। पहला पावर सोर्स, अब हमने ऑटोमेशन समझ लिया, अब ऑटोमेशन कैसे चलेगा, कैसे चलना शुरू हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आती है, पावर सोर्स। देखिए पावर का मतलब शक्ति होता है, सोर्स का मतलब स्रोत होता है, यानी कि उस ऑटोमेटिक मशीन को चलाने के लिए उसे पावर कहाँ से मिल रही है या पावर किस रूप में मिल रही है। तो पावर हमारे पास मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, हाइड्रोलिक पावर, न्यूमेटिक पावर, ये सारी पावर होती हैं। लेकिन ऑटोमेशन मशीन को चलाने के लिए हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ करते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा का यूज़ करते हैं। तो पावर सोर्स में क्या आ जाएगा, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर, देखिए पावर तो वैसे कई सारी हैं, लेकिन आप लोग इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का कमेंट आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रिकल पावर से ही क्यों चला रहे हैं इसे। हम लोगों के पास हाइड्रोलिक पावर भी होती है ना, हाइड्रोलिक में हम लोग किसी पर्टिकुलर फ्लूड का यूज़ करते हैं, और न्यूमेटिक पावर भी होती है, न्यूमेटिक में हम लोग एयर का, कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली है ना पावर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, विद्युत ऊर्जा को ही क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसका आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मशीन एंड थर्ड वन आता है फीडबैक डिवाइसेस, फीडबैक डिवाइसेस, फीडबैक डिवाइसेस।
फीडबैक डिवाइसेस बोल दीजिए या फीडबैक कंट्रोल बोल दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। फीडबैक डिवाइसेस बोल दीजिए या फिर कंट्रोल बोल दीजिए। कंट्रोलिंग डिवाइसेस भी होती हैं, या फीडबैक डिवाइसेस बोल दीजिए, जो आप लोगों को ठीक लगता है वैसे आप लोग समझ लीजिए। ये मेन तीन एलिमेंट्स या ये मेन तीन पार्ट होते हैं जो एक ऑटोमेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला पावर सोर्स, कि उसको इलेक्ट्रिकल पावर दी जा रही है, हाइड्रोलिक पावर दी जा रही है, न्यूमेटिक पावर दी जा रही है, ठीक है, वो पावर सोर्स हो जाएगा। ऑटोमेशन मशीन, की वो किस टाइप की ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट की जा रही है या हाइड्रोलिकली ऑपरेट की जा रही है, न्यूमेटिकली ऑपरेट की जा रही है, तो वो ऑटोमेशन मशीन में आ जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड वन जो लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, फीडबैक डिवाइसेस। फीडबैक का क्या मतलब होता है? जैसे फीडबैक तो आप लोग समझते हो कि बच्चों का फीडबैक लिया जाता है, टीचर्स का फीडबैक लिया जाता है, कि मतलब कैसा पढ़ाया, बच्चे ने कैसा पढ़ा, क्लास में कैसा रेस्पॉन्स दिया, क्या क्या कमियाँ उसके अंदर रही हैं। तो हमें कमी किसके थ्रू पता पड़ेगी? अगर हम एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं, मशीन ने काम तो कर दिया, ठीक है, मशीन ने प्रोडक्ट फाइनली बना के हमको दे दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट सही बना खराब बना, इस चीज़ का इंस्पेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? हम लोगों के पास मानते विजुअली आंखों से हम लोग चेक कर सकते हैं और हाथ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होती है चीज़ें, अगर हम लोग मशीन्स पे थोड़ा, क्योंकि हम लोग मशीन पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं आज के टाइम में, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज़ भी है, ड्रॉबैक भी है। हर चीज़ का अपने आप में यूज़ भी है, हर चीज़ का अपने आप में ड्रॉबैक भी है। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, फीडबैक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। फीडबैक डिवाइस क्या करता है, ये हम लोगों को एरर्स के बारे में बताता है कि अगर जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर क्या एरर है, ठीक है। इसका सबसे बहुत मतलब फैसिनेटेड एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब जैसे हमारे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जब रॉकेट को लॉन्च करता है, किसी भी स्पेस शटल को या स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करता है, तो वो एक है ना बफर टाइम या बफर स्टोरेज टाइम रखता है। वो क्या रखता है कि मान लो अगर उसने आज की टाइमिंग रखी 3 बजे की, कि वो 3 बजे मतलब कि एक रॉकेट को लॉन्च करने वाला है, लेकिन हो सकता है कुछ वेदर फॉरकास्टिंग या वेदर फॉरकास्टिंग की वजह से वो देख लिया कि भाई मौसम खराब है, हम अभी लॉन्च नहीं कर सकते। मिशन मंगलयान मूवी ने आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने लॉन्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक है ना अल्टरनेट टाइम डिसाइड किया हुआ था कि अगर हमारा रॉकेट इस टाइम पे लॉन्च नहीं हुआ तो हम इस टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, तो बीच का जो गैप था। अब या फिर कोई ऐसा टेक्निकल इशू आ गया कि भाई फ्यूल का लीकेज होना शुरू हो गया, या एयर लीक हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, तो हमें पता कैसे पड़ा कि फ्यूल लीक हो रहा है? वहाँ पे कोई पर्सन तो खड़ा नहीं होगा, या कोई बंदा ऐसा खड़ा तो नहीं होगा कैमरा लेके कि भाई यहाँ फ्यूल लीक हो रही है। वो हमको कौन बताता है? वो फीडबैक डिवाइसेस बताती हैं, ठीक है। उसको फिर हम लोग कंट्रोल करते हैं, या तो मिशन पोस्टपोन किया जाता है आगे टाइम के लिए, जब भी होगा वो हम उसे मतलब कंटिन्यू करेंगे। तो फीडबैक डिवाइसेस नहीं होंगे ना, तो हमें एरर के बारे में नहीं पता पड़ेगा, जो फॉल्ट उसमें आ रहा है उसके बारे में हमें नहीं पता पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल समझने का यही है। तो उसमें हमारे ये तीन मेन पार्ट होते हैं, पावर सोर्स, ऑटोमेशन मशीन एंड फीडबैक डिवाइस। आई होप ऑटोमेशन होता क्या है, किन किन चीज़ों का सम्मिलित रूप है ये, और इसके कौन कौन से मेन तीन पार्ट होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग ऑटोमेशन से क्या समझते हो, उसके पार्ट्स के बारे में बताइए, तो आप लोग पहले ऑटोमेशन की डेफिनेशन लिखिएगा, किन किन पार्ट का सम्मिलित रूप होता है उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख दीजिएगा, कि मैकेनिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, एंड किस सिस्टम के द्वारा, किस डिवाइस के द्वारा, किस सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजा जा रहा है, उसके लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच का यूज किया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स के तत्व यानी कि एलिमेंट्स के पार्ट्स, पावर सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज की जाती है, ऑटोमेटिक मशीन किस टाइप की ऑटोमेटिक वो मशीन है, एनसीएस, सीएनसीएल, डीएनसीएल, और उसका फीडबैक डिवाइसेस क्या है। फीडबैक डिवाइसेस जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि ट्रांसपॉन्डर्स। देखिए ये अब मैं इसको मैं हिंदी में नहीं बता सकता, क्योंकि इसको ट्रांसपॉन्डर्स को इंग्लिश में ट्रांसपॉन्डर ही कहते हैं, और अच्छा भी लगेगा कि आप लोग इसे इंग्लिश में ही याद रखो, ट्रांसपॉन्डर्स। सेकंड है सेंसर्स, जो चीज़ों को सेंस करता है, टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये सेंस करके बता देगा कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम मशीन को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, वरना फॉल्ट आ सकता है। तो ट्रांसपॉन्डर्स, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, एक्यूटेटर्स, ये कुछ इस तरह की फीडबैक डिवाइसेस होती हैं या कंट्रोलिंग डिवाइस होती हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी ऑटोमेटिक मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फीडबैक को प्राप्त करके कि वो मशीन किस तरीके से रेस्पॉन्स कर रही है या किस तरीके से वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होगा, फीडबैक डिवाइस नहीं होगा, तो हमें एरर के बारे में नहीं पता पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए इसका भी अपना आप में इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑटोमेशन मेन यही था। अब आता है कि टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन समझ लिया,
उसके एलिमेंट समझ लिए हैं, अब उसके टाइप्स को समझते हैं कि ऑटोमेशन होते कितने प्रकार के हैं। एक ही टाइप का तो ऑटोमेशन होता नहीं होगा, तो ऑटोमेशन के हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ, हो भी सकता है कि आपका ये जो आज का लेक्चर हो सिर्फ ऑटोमेशन के बारे में ही समझने के लिए हो, सीएनसी मशीन या एनसी मशीन को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि देखिए ऑटोमेशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीएनसी एनसी मशीन टोटली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के बारे में नहीं पता पड़ेगा तो हमें सीएनसी मशीन हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन उस वे में ना समझ में आ पाए जिस वे में आप ऑटोमेशन को समझ के सीएनसी मशीन को समझोगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, अब देखिए मेनली होते तो ऑटोमेशन कई टाइप्स के हैं, लेकिन आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या अपने पॉलिटेक्निक लेवल पे आप लोगों को सिर्फ तीन ही टाइप के ऑटोमेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट वन है फिक्स्ड ऑटोमेशन। यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं स्थिर, स्थिर स्वचालन। सेकंड है प्रोग्रामेबल, PROG, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, एंड थर्ड वन है प्रोग्रामेबल का मतलब इसमें हम लोग प्रोग्राम्स का यूज करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर से यूज करेंगे, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन आ जाएगा उसमें। एंड थर्ड वन है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। यानी कि फ्लेक्सिबल को लचीलापन बोलते हैं, ठीक है। अब लचीलापन आप हिंदी में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, आप लोग फ्लेक्सिबल याद रखिए, लचीलापन ऑटोमेशन, ये लचीला ऑटोमेशन समझ लीजिए, जो हर हर एटमॉस्फेयर में अपने आप को फ्लेक्सिबल या अपने आप को मेंटेन रख सके, तो उसे फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन होता है, वैसे आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, आप लोगों को मेरी ये तीन पढ़ने हैं, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। यानी इंटीग्रेटेड को हिंदी में बोलते हैं एकीकृत, एकीकृत स्वचालन। क्लियर, तो ये चार टाइप्स के ऑटोमेशन हैं जो आई थिंक, देखिए विजन क्लियर है, आप मुझे बता दीजिएगा जैसा भी हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारी चीजें और रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। तो ये चार टाइप के ऑटोमेशन हैं, जिसमें फिक्स्ड ऑटोमेशन को स्थिर स्वचालन बोलते हैं, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन आ गया, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन हो गया जिसे लचीला बोलते हैं, और इंटीग्रेटेड को एकीकृत स्वचालन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम आप लोगों को सिर्फ तीन के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, चौथा मैं पढ़ा दूंगा लेकिन वो अभी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आप में, लेकिन हाँ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है भी है, बाकी चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप ये चीजें थोड़ी समझ में कमाएंगे, इसलिए तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड ऑटोमेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फिक्स का मतलब क्या है, दो ही चीजें होती हैं, एक होती है मशीन और एक होता है मशीन से बनने वाला प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी मशीन के साथ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कैसे ऑपरेशन हो रहा है, कौन कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर, हम उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग बात करते हैं पहले मशीन के बारे में। और मशीन से हमारा कौन सा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बन रहा है। क्लियर, अब या तो प्रोडक्ट को फिक्स किया जाएगा, यानी प्रोडक्ट इतना बड़ा होगा, ये बनने वाला जो भी उत्पाद होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो या तो इतना बड़ा होगा कि हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जा सकते, मशीनिंग यूनिट के अंदर ही, हम बाहर नहीं लेके जाएंगे, यूनिट के अंदर ही जहां पे ये प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, या तो हम जो बन रहा है हमारा उत्पाद वो इतना बहुत ज्यादा ह्यूज होगा, बहुत ज्यादा मैसिव होगा कि हम इसको नहीं लेके जा सकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसके लिए हम लोगों को मशीन को प्रोडक्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट छोटा हो लेकिन मशीन इतनी बड़ी हो, इतनी ज्यादा मैसिव हो, इतनी ज्यादा बल्कि हो कि हम इसको मशीन को प्रोडक्ट तक नहीं लेके जा सकते, प्रोडक्ट को मशीन तक आना पड़ेगा। तो इस केस में कोई अगर एक चीज फिक्स है, ठीक है, तो उस टाइप में जो ऑटोमेशन चल रहा है, उस टाइप में जो मशीन या फिर प्रोडक्टिविटी चल रही है, उस ऑटोमेशन को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड ऑटोमेशन।
ठीक, बहुत ही बेसिक है, मतलब लो लेवल से मैंने आपको समझाया है कि अगर मशीन और प्रोडक्ट में से अगर किसी एक चीज को फिक्स किया जाए, क्योंकि देखो वो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट कैसा बना रहे हो, जैसा प्रोडक्ट बनेगा उसी पर डिसाइड होगा कि हम मशीन को फिक्स करें अपनी अपनी प्लेस पे या फिर प्रोडक्ट को फिक्स करें, कि प्रोडक्ट इतना हैवी हो जाए, इतना मैसिव हो जाए कि उसे भाई इधर से उधर ले जाना मुश्किल है, हम नहीं ले जा सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मशीन को ही प्रोडक्ट के पास लाना पड़ेगा, या फिर मशीन इतनी बल्की है, इतनी हैवी है कि भाई उसे लाना इतना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट को मशीन के पास लेके जाना पड़ेगा। तो किसी इस केस में किसी एक को फिक्स करना, उस दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन का मतलब ये समझ लीजिए, उसमें मशीन जो यूज हो रही है वो ऑटोमेटिक मशीन है, आप इसे समझिए। ऑटोमेशन का कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस वाला वो वर्ड नहीं है कि आइए ऑटोमेशन है क्या, ऑटोमेशन का मतलब समझिए वहाँ पे इसे जो मशीन यूज हो रही है वो ऑटोमेटिक मशीन है, मैनुअली मशीन नहीं है, उसे बस ऑपरेट किया जाएगा किसी एक ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल थ्योरी तो आप समझ गए, अब आप लोगों को अपने वर्ड्स में समझ में आ गया कि इसे लिखना कैसे है, कि एक इस टाइप का ऑटोमेशन जिसमें मशीन या उत्पाद में से किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी मशीन को या उत्पाद में से किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स किया जाएगा, जहां पे मशीन को उत्पाद तक ले जाना संभव ना हो या फिर उत्पाद को या प्रोडक्ट को मशीन तक ले जाना संभव ना हो, तो उस केस में इन दोनों में से किसी एक को फिक्स किया जाएगा। तो इस टाइप से जो ऑटोमेशन होता है, इस टाइप से जो प्रोडक्शन किया जाता है वर्क पीस का, वो हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल में हम लोग मान के चलते हैं, जैसे कि अगर हम लोगों को शिप बनाना है, शिप यानी कि जहाज या एरोप्लेन बनाना है। अब एरोप्लेन शिप तो क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में मिलकर बनता है, फिर उसको एक साथ असेंबल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसके इंजन की बात करते हैं, छोटे मोटे इंजन तो होते नहीं, अब बाइक का इंजन, गाड़ी का इंजन, ट्रक का इंजन ऐसा तो नहीं होता। अब जो शिप का इंजन होता है वो अपने में बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा बड़े साइज का होता है, बहुत बड़े स्केल पर होता है। तो यहाँ पर हम लोग शिप इंजन की बात करेंगे। शिप इंजन या फिर एयरक्राफ्ट इंजन या स्पेस क्राफ्ट, जो रॉकेट या स्पेस शटल जो स्पेस अंतरिक्ष में जाते हैं उनके इंजन्स हो गया। ठीक है, या प्रोपेलर हो गया, प्रोपेलर का मतलब समझते हो आप, प्रोपेलर मतलब शिप को चलाने के लिए पीछे, शिप को शिप के पीछे नीचे बेस में एक है ना एक व्हील लगा होता है, बहुत हैवी मेटल का होता है, उसे हम लोग प्रोपेलर बोलते हैं, जो घूमता है, जो पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है, उस बेस में हमारा जो हमारा शिप होता है वो आगे की तरफ जाता है। ठीक है, प्रोपेलर होता है वो, तो ये भी छोटा मोटा नहीं होता, इतने बड़े शिप को चलाने के लिए हम लोग प्रोपेलर यूज कर रहे हैं, तो छोटा मोटा प्रोपेलर तो होगा नहीं, तो काफी मैसिव होगा, काफी बड़ा होगा। तो इस टाइप के जो प्रोडक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, शिप का इंजन हैवी होता है, एयरक्राफ्ट इंजन हैवी होता है, स्पेस क्राफ्ट इंजन हैवी होता है, प्रोपेलर हैवी होता है, तो ये इतने बड़े स्पेस पर रहते हैं, इतना बड़ा एरिया कवर अप करते हैं, तो यहाँ इसको मशीन तक ले जाना संभव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं और काफी हैवी होते हैं, तो इसको उठा के नहीं लेके जा सकते। तो हम लोग क्रेन का यूज करते हैं, हमारा उसमें क्रेन मशीन्स होती हैं, लेकिन क्रेन मशीन ये बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से हम लोग क्रेन मशीन का यूज नहीं करते उसमें। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो शिप इंजन में हमें कहीं पे वेल्डिंग करना पड़ा, या फिर हम लोगों को कहीं पे उसमें उसकी फिनिशिंग करनी पड़ रही है सरफेस की, कहीं पे रफ सरफेस है तो उसे सरफेस को फिनिश करना पड़ रहा है, तो अब बार बार हम इस शिप के इंजन को या एयरक्राफ्ट के इंजन को मशीन के पास तो नहीं लाएंगे ना, क्योंकि वेल्डिंग मशीन छोटी छोटी होती हैं, उसको आप लोग लेके जा सकते हो आसानी, इजिली पोर्टेबल होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी कर सकते हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को फिक्स कर देते हैं, इसको हमने फिक्स कर दिया, अब मशीन इसके पास आएगी, वेल्डिंग मशीन हो गई या लेथ मशीन हो गई या मिलिंग मशीन हो गई, जो भी होगी उस मशीन को हम लोग व्हील्स पे रखी रहती है, मशीन से वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी की जा सकती है। तो इस टाइप का जो प्रोडक्शन हो रहा है या इस टाइप के प्रोडक्शन में जो ऑटोमेशन यूज की जा रही है, ऑटोमेशन टेक्निक यूज की जा रही है, तो ऑटोमेशन टेक्निक जो यूज की जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन। डेफिनेशन समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया और उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए। ठीक है, आई होप फिक्स्ड ऑटोमेशन समझ में आ गया, जिसमें हमें पर्टिकुलर किसी एक चीज को फिक्स करना हो। मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट ही मतलब फिक्स हो, मशीन भी फिक्स हो सकती है, तो लेकिन हमारा वो प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। इस प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन से जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उस प्रोडक्शन को बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, यूनिट का मतलब होता है इकाई, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना। देखिए शिप का जब इंजन बनाया जाता है वो काफी बड़े एरिया कवर करने की वजह से उसको यूनिट वे में बनाया जाता है, यानी एक बार में एक ही इंजन बनाया जा सकता है, दो बनाए जा सकते हैं लेकिन ज्यादा बल्कि नहीं, नट बोल्ट की तरह हजारों लाखों की क्वांटिटी में इंजन नहीं बन सकते क्योंकि बहुत बड़े एरिया को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि तो इस टाइप का जो प्रोडक्शन है वो यूनिट प्रोडक्शन के अंदर में आता है, लेकिन जो ऑटोमेशन है वो फिक्स्ड ऑटोमेशन में होता है। ठीक है, अगर मैं जो मशीन को फिक्स करना पड़े
और जो प्रोडक्ट है उसे फिक्स ना करना पड़े, तो उस केस में कौन सा एग्जाम्पल आता है? वो आपका प्रोग्रामेबल में आ जाएगा, ठीक है? सेकेंड, हम सेकेंड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब हमको लगा कि भाई मशीन बड़ी हो रही है तो प्रोडक्ट तक जाना पड़ रहा है, यानी कि जो उत्पाद बनाना पड़ रहा है वहां तक जाना पड़ रहा है, या फिर उत्पाद बड़ा हो रहा है तो मशीन तक जाना पड़ रहा है। तो इस केस को, इस प्रॉब्लम्स को, इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक न्यू ऑटोमेशन को पढ़ा, जो होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ठीक है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या रहेगा, देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, उसमें क्या रहेगा, आपको मशीन तक आने की जरूरत नहीं है या मशीन को प्रोडक्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम सेट कर देंगे जो एक ही बार में कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि कटिंग हो गया, मार्किंग हो गया, और नर्लिंग हो गया, या फिर मिलिंग हो गया। तो कई सारे ऑपरेशन उसमें, जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इससे ये हमारी मशीन हो गई, और मशीन से हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। मशीन और ये क्या बना रही है, हमारी उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट बना रही है। तो उसमें क्या बन रहा था, एक बार में एक ही इंजन बन रहा था, एक बार में एक ही प्रोपेलर बन रहा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, बैच में तो नहीं बन रहे थे, मतलब ग्रुप में तो नहीं बन रहे थे वहां पे इंजन वगैरह, प्रोपेलर वगैरह, लेकिन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या होगा, मशीन जो उत्पाद बना रही होगी वो बैच यानी कि ग्रुप में बना रही होगी। एक बैच निकल गया, फिर दूसरा बैच निकलेगा, फिर तीसरा बैच निकलेगा, इसी तरीके से। तो इसमें जो ऑटोमेशन यूज किया जाता है वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बैच के फॉर्म में बनता है, बैच के रूप में। इसे हिंदी में आप ग्रुप भी बोल सकते हो, ग्रुप के फॉर्म में बनता है, ग्रुप के रूप में यानी समूह के रूप में वो बनता है। जो बैच हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्रुप के रूप में बनता है, जैसे कि एक नट, नट बोल्ट हम लोग बनाते हैं तो उसकी जो असेंबली लाइन होती है, तो एक नट असेंबली लाइन से एक नट बोल्ट निकलता नहीं है, दो तो निकलते नहीं है, एक बार में 1000, 2000, 3000, यानी कि एक बार 1000 का बैच निकल गया, फिर 2000 का बैच निकला, फिर 3000 का बैच निकला, इस तरीके से बैच के फॉर्म में निकल रहे हैं। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, नट बोल्ट, नट बोल्ट का प्रोडक्शन, ठीक है? नेल्स यानी कि जिनको हम लोग चोवे बोलते हैं, नेल्स को हम लोग चोवे बोलते हैं, नट बोल्ट, वॉशर्स, वाशर जिसको बोलते हैं, वाशर, कमेंट में कमेंट में बताइएगा वाशर का यूज कहाँ होता है, कहाँ होता है और क्यों किया जाता है, ठीक है? टेक्निकल वे में बताइएगा, नॉन टेक्निकल वे में मत बताइएगा कि वाशर का यूज हम लोग नट बोल्ट के बीच में लगाने के लिए करते हैं, ये है वो है, नहीं नहीं वॉशर का मेनली टेक्निकल यूज कहाँ होता है, क्योंकि आप लोग सिक्स सेमेस्टर में हो, हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों ने, उसमें डेफिनेटली वॉशर का यूज पढ़ा होगा कहाँ होता है, ठीक है? तो वॉशर का यूज आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो नट बोल्ट, नेल्स यानी कि चोबे हो गए, वॉशर्स हो गए, तो इन टाइप का जो प्रोडक्शन होता है, और उस प्रोडक्शन में जो ऑटोमेशन टेक्निक यूज की जाती है वो टेक्निक होती है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ठीक है? तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेस पे। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, जैसे कि इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, उस बेस पे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बैच के फॉर्म में बनेगा, ठीक है? ग्रुप्स के फॉर्म में बनेगा, जैसे कि नट बोल्ट हो गया, नेल्स यानी कि चोबे हो गया, और वाशर, ठीक है? अब वहां पे क्या बन रहा था, पहले वाले में फिक्स्ड में हम लोगों को या तो शिप का इंजन एक बार में एक ही बनेगा, ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को शिप के इंजन कई सारे बनाने पड़ रहे हैं, एक बार में 100-100 इंजन बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गाड़ी के इंजन बन सकते हैं, लेकिन शिप का इंजन हो गया, शिप का प्रोपेलर हो गया, या एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट का जो हमारा इंजन वगैरह हो गया, ये बड़े लेवल पे बनते हैं, ठीक है? तो उस बेस में क्या होता है, वहां पे हमारा किसी एक चीज को फिक्स करना पड़ता है, या तो इंजन को मशीन के पास आना पड़ेगा या मशीन को इंजन के पास आना पड़ेगा, दोनों चीजें एक दूसरे के पास नहीं आ सकती, वहां पे किसी एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा, तो वो होता है फिक्स्ड ऑटोमेशन। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम लोग मशीन को प्रोडक्ट के पास लेके जा सकते हैं आसानी से, प्रोडक्ट मशीन के पास आसानी से आ सकता है, कोई ज्यादा बड़ा मतलब टास्क नहीं है, क्योंकि वेल्डिंग मशीन छोटी होती है, इजिली पोर्टेबल होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लोग लेके जा सकते हो, ठीक है? लेज मशीन को लेके जा सकते हो। तो उसके इसमें क्या रहेगा, आप लोगों का ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन रहेगा। थर्ड जो आता है वो आता है फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ लचीलापन रहता है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स फ्लेक्सिबल होते हैं जो फिक्स्ड ऑटोमेशन के केस में भी यूज किए जा सकते हैं और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के यूज में भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है? तो थर्ड वन को हम लोग समझते हैं,
फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, इसको हिंदी में हम लोग लचीला बोलते हैं, लचीला स्वचालन। और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या रहेगी, इसमें वो इसमें फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में वे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की एक एडवांस फॉर्म है, ये प्रोग्रामेबल जो ऑटोमेशन है इसकी एडवांस फॉर्म है, जिसमें जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो मशीन बिना समय व्यर्थ किए, यानी कि इसमें देखो समय की वेस्टेज इसमें भी हो रही है, पहले वाले में भी हमें अच्छा खासा समय लग रहा है। जो इंजन होता है वो एक बार में तो बनता नहीं है, कई उसमें टाइम लगता है, साल भी लग जाते हैं, एक स्पेस क्राफ्ट को या एक स्पेस स्पेस शटल को डिज़ाइन करने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा डिफरेंट टाइप के स्पेस प्रोग्राम इसरो नासा ये सब लोग कंडक्ट कराते हैं, तो उस फेज में क्या होता है, वो एक एक दो दो दिन का प्रोग्राम नहीं होता, वो सालों का होता है, 10 साल 11 साल 12 साल। तो लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग इसमें ज़्यादा है, तो एक ऐसा ऑटोमेशन जिसमें टाइम कंज्यूमिंग कम हो, यानी कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फिक्स्ड ऑटोमेशन का अपडेटेड फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग। देखो देखा जाए तो इसका कोई नाम नहीं है ऑटो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, बस हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो हमने इसको बस नाम दे दिया फ्लेक्सिबल। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल इसलिए कि इसमें टाइम कम लग रहा है चीज़ों को बनाने में, तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ठीक है, इसमें वैसे टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग ये कम है, इसमें टाइम कम लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, इसमें क्या है टाइम ज़्यादा लगता है फिक्स के कंपेयर में, टाइम इसमें भी कम लगता है, नट बोल्ट एक बार में 1000-2000 बन रहे हैं, लेकिन वो फिक्स के कंपेयर में इसमें टाइम कम लग रहा है, फिक्स में ज़्यादा लगता है। लेकिन दोनों के कंपेरिजन में देखा जाए तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है वो है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग कम है सब, ठीक है। ये तीन टाइप के ऑटोमेशन हो गए, फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल एंड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब इस तीनों ऑटोमेशन को हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं कि कैसे कैसे ये ग्राफ के फॉर्म में इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। देखिए अब ग्राफ बनाएंगे तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये y-axis. इस एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे प्रोडक्शन की रेट, सॉरी, और इसमें दिखाएंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब y एक्सिस पे प्रोडक्ट की संख्या, जो हम लोग उत्पाद बना रहे हैं उसकी संख्या कितनी है, और एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन रेट, उसकी बनाने की दर कितनी है, यानी कि एक समय में या एक घंटे में दो घंटे में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, या प्रोडक्शन रेट उसकी बनाने की दर कितनी है, समय के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किस में किया है, टाइम में ही किया है और प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट में किया है। पहले वाले में हम लोगों ने किया शिप बन रहा है तो एक बार में एक ही बन रहा है, इंजन बन रहा है उसका तो एक बार में एक ही बन रहा है, और प्रोग्रामेबल में हम लोगों ने नट बोल्ट नेल्स वॉशर एक बार में 1000-2000 के बैच में निकल रहे हैं, ये ग्रुप में निकलते हैं, बैच के फॉर्म में निकलते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं और वो किस दर से यानी किस समय से बन रहे हैं, एक समय में दो समय में कैसे कैसे बन रहे हैं, तो इस बेस पे हम लोगों ने तीनों को एक ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप लोगों को थ्योरी में थोड़ा डाउट लग रहा हो तो आप लोग उस ग्राफ के बेस पे थ्योरी समझ सकते हो, क्योंकि वहां पे पता पड़ जाएगा कि प्रोडक्शन रेट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कैसे कैसे रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऊपर जो रहेगा, यहां पर रहेगा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, बीच में रहेगा फिक्स्ड ऑटोमेशन, और लास्ट में रहेगा, ऐसा करते हैं इसे थोड़ा दूसरे पे बना लेते हैं, दूसरे पेज पे दूसरे पेज पे बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, और रिलेशन बिटवीन फिक्स्ड प्रोग्रामेबल एंड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ठीक। तो
तो हम इसे ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ताकि तीनों में जो मैंने अभी तक थ्योरी में आप लोगों को बताया उसे ग्राफ के फॉर्म में हम लोग इसे कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को आरएसी के लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई थ्योरी ऐसी है जिसे आप लोग थ्योरी लाइन से ज़्यादा, फॉर्मेट से ज़्यादा अगर आप लोग उसे ग्राफ या किसी डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा सकते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन रेट यानी कि दर, इसको हम लोग हिंदी में दर बोलते हैं, और प्रोडक्शन को उत्पादन बोलते हैं, यानी उत्पादन की दर क्या है, उत्पादन की दर क्या है, और इस पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की संख्या, उत्पाद की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो ड्रॉ किया जाएगा वो आएगा पहले प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, A4 यहाँ पे ऑटोमेशन है, ठीक है। सेकंड है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, अब ये बीच में क्यों आ रहा है वो भी मैं बताऊंगा, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। एंड थर्ड है सबसे लास्ट फिक्स्ड ऑटोमेशन, ठीक है। y एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड x एक्सिस पे उत्पादन की दर। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे थे वो सबसे ज्यादा किस में बन रहे थे, सबसे ज्यादा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में बन रहे थे, नट बोल्ट वॉशर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जो वो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का जो एक्सेस है वो सबसे ऊपर पे रखा गया है, ठीक है। लेकिन उसके में जो प्रोडक्शन की दर है यानी कि जो समय है वो क्या लग रहा है, वो सबसे कम लग रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं देखिए खुद ही देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक टाइम मान लीजिए T1 लग रहा है, और अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं, अभी बता दोबारा से लिख देंगे इसको, और अगर यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा हाई है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को, मैं मान लेता हूं X1, ठीक है। एक फिर ग्रेटर देन और लेसर देन से पता पड़ जाएगा कि किसमें क्या चीज ज्यादा बन रही है, किसमें क्या चीज कम बन रही है, ठीक है। तो T1 प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जो दर है X1 जो सबसे ज्यादा है लेकिन टाइम सबसे कम है, ठीक है। सेकंड आता है, अभी हम फ्लेक्सिबल की बात नहीं करते क्योंकि वो तो अपने आप में फ्लेक्सिबल है, मैंने बताया था फ्लेक्सिबल कोई ऑटोमेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में रखा इसलिए गया क्योंकि इन दोनों के बीच में कहेंगे समय की दिक्कत आ रही थी, तो समय को मेंटेन करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने एक नाम दे दिया ऑटोमेशन का, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, जिसमें ना टाइम ज्यादा लगता है ना ही टाइम कम लगता है, ठीक है। फिक्स्ड ऑटोमेशन में दूसरा हमारा ऑटोमेशन क्या था, फिक्स्ड ऑटोमेशन था, तो इस केस में क्या लग रहा था, देखिए अगर थोड़ी देर में इसे भी रब कर देता हूं, तो फिक्स्ड ऑटोमेशन में हमारा क्या लग रहा था, टाइम देखिए कितना ज्यादा लग रहा है, इसे मैं T2 मान लेता हूं, लेकिन जो प्रोडक्ट की दर है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, सॉरी लिख देता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं रेट यानी कि दर, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड ऑटोमेशन में हम लोग प्रोपेलर बना रहे थे, है ना, इंजन बना रहे थे शिप का, वो कितना टाइम ले रहा है बनाने में, कितना टाइम, T2, ठीक है, ज्यादा आप लोग एक्सेस भी देख सकते हो, लेकिन उसकी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो कितने कम हैं। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और
ये कितना आ जाएगा, एक्स टू, ठीक है, एक्स टू। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम है, एक बार में एक ही बनेगा इंजन, एक बार में एक ही प्रोपेलर बनेगा, लेकिन इसे बनाने के लिए जो टाइम जाएगा वो सबसे ज्यादा जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों के बीच की कड़ी आती है फ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्लेक्सिबल कोई पर्सन होता है तो उसे आप लोग कहीं भी रख लो, कहीं भी उसे भेज दो, वो अपने आप को एनवायरमेंट में ढाल लेगा। तो फ्लेक्सिबल को इसलिए मैंने बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो ना ही टाइम ज्यादा ना ही टाइम कम, ना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम, दोनों के बीच की कड़ी। तो इस बेस में इसलिए मैंने इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को समझ सकते हो। मेन जो बताना था डिफरेंस वो प्रोग्रामेबल और फिक्स्ड में बताना था, इन दोनों के बीच की कड़ी के लिए हम लोगों ने फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का यूज किया। आई होप आप लोगों को इस डायग्राम से समझ में आ रहा हो। अब आप लोग अंतर लिख सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हो खुद से, चार चार पांच पांच पॉइंट, वैसे तो मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा सारी चीज़ें। तो ये रिलेशन है फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल एंड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में, ठीक है। डायग्राम बनाइए, दो से तीन तीन पांच पांच पॉइंट लिख दीजिए, सफिशियंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारा। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सीएनसी मशीन, एनसी मशीन पे। तो सीएनसी मशीन, तीन टाइप की मशीन हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को यूनिट में बताया था जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को दो तीन टाइप की मशीन पढ़नी है, एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी। बाकी इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मेनली हम लोगों को इस यूनिट में तीन ही यूनिट, तीन ही मशीन्स के बारे में पढ़ना है, एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी मशीन। तो सबसे पहले हम लोग एनसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं कि एनसी मशीन क्या है। एनसी मशीन की जो फुल फॉर्म है वो है न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये जो तरीका है ना, जिस तरीके से मैं एरो को इस तरीके से दिखाता हूँ और ऊपर वाली चीजों को मैं डिफाइन करता हूँ, यही तरीका आप लोग अपने एग्जाम में भी यूज करिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्लियर पता पड़ रहा है। अगर आप इसे एक लाइन में लिखोगे कि इस एनसी मशीन की फुल फॉर्म या पूर्ण रूप न्यूमेरिकल कंट्रोल है, तो मे भी हो सकता है वो स्किप की जा सके कि उसका पूरा नाम क्या, या तो आप उसे हाईलाइट कर दो ब्लैक पेन से या अंडरलाइन कर दीजिए उसे। अगर उससे हटके सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको ऐसे एरो फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का मतलब आप लोग समझते हो गणितीय या आंकिक, और कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल का मतलब तो आप लोग समझते ही हो कि किसी चीज को रोकना, चालू करना, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आ जाती हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग के बेस पे ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन एक्चुअली होती क्या है, फुल फॉर्म न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गया, एनसी मशीन हो गया, ठीक है। अब इसका मैं एक है ना फ्लो चार्ट बनाता हूँ, फ्लो चार्ट से आपको पता पड़ जाएगा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं इसके एनसी मशीन। ये हेडिंग यही रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का डायग्राम रहेगा, इसमें मशीन एनसी मशीन और सीएनसी मशीन का कैसे रहेगा। देखिए पार्ट इसमें टैप रीडर, एक पार्ट इसमें ऊपर रह जाएगा, अभी आप लोगों को इसमें ये हटाना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे मैं सारा रब कर देता हूँ, थोड़ा मैं उधर बना देता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। इसके पहले मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ, मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बेस पे आपका डायग्राम बन जाएगा। मेन एलिमेंट्स यानी कि भाग, मुख्य भाग कौन कौन से हैं एक एनसी मशीन को बनाने के लिए। सबसे पहला जो मेन एलिमेंट आता है वो यही आता है कि मशीन कंट्रोल यूनिट, उसका ब्रेन,
मशीन कंट्रोल यूनिट, इसे हम लोग शॉर्ट में MCU बोलते हैं, जैसे CPU होता है उसी तरीके से ये होता है। सेकंड है टेप रीडर, टेप रीडर, रीडर का मतलब होता है पढ़ने वाला, कोई एक ऐसी डिस्क, कोई एक ऐसी फिल्म, कोई ऐसी मतलब स्ट्रिप या पट्टी जिसके ऊपर है ना इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और उसको पढ़ा जाता है, तो उसको पढ़ने का जो काम होता है वो टेप रीडर का होता है। ठीक है, थर्ड है मशीन कंट्रोल यूनिट। देखिए टैप रीडर आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, अगर आप लोग इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को छोटी सी एक डिवाइस दिखाई देगी, लेकिन अभी आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड एक इमेज दिखाऊंगा कि एक्चुअली वो होती क्या है, दिखती कैसे, उसमें कैसे कैसे छोटे है ना होल्स बने होते हैं, उसके बेस में वहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह दे रखी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया, उसके बाद आता है पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम को हिंदी में प्रोग्राम ही बोलते हैं, पार्ट को भाग बोलते हैं। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम मतलब मशीन को जो प्रोग्राम सेट करने होते हैं, जैसे कि मुझे अगर कटिंग करानी है तो कटिंग के लिए मुझे एक प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, फिनिशिंग करानी है सरफेस के ऊपर तो मुझे फिनिशिंग के लिए एक अलग प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, तो जो प्रोग्राम सेट किए जा रहे हैं वो पार्ट प्रोग्राम के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, टैप रीडर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, सारी चीजें इमेज के थ्रू बता दूंगा ताकि आप लोगों को वर्बली मतलब विजुअल हो जाए कि वो चीज एक्चुअली में दिखती कैसी है। ठीक है, और उसके बाद आता है मशीन टूल लास्ट। मशीन टूल मतलब वही कटिंग टूल होता है जो सरफेस की कटिंग करता है। तो इसके चार मेन पार्ट होते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट जो कि ब्रेन होता है, इसे हम लोग ब्रेन लिख देते हैं, थ्योरी में वैसे हम सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, ये मशीन का ब्रेन होता है। ठीक है, टैप रीडर, पार्ट प्रोग्राम, मशीन टूल। ठीक है, अब इसे आप लोग या तो इस फॉर्म में लिख लीजिए, अगर आप लोगों को डायग्राम भी समझाना है तो डायग्राम में आप लोग एक ब्लॉक सा बनाइए, उसे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, उस बेस में दिखा दीजिए, लेकिन उसमें आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा, फिर ये तो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वहाँ जो फ्लोट चार्ट बनाओगे उसमें पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, एरो वाइज दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि मैं एरो वाइज दिखा रहा हूँ तो सारा सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट में आता है वो आप लोगों का आता है पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, जो पहला पार्ट रहेगा वो आप लोगों का पार्ट प्रोग्राम का रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो टैप रीडर का रहेगा। उसके बाद फीडिंग दी जाती है, फीड का मतलब होता है इसे हिंदी में भरण बोलते हैं, फीड का मतलब समझते हो ना, भरण, जैसे कि आपको कटिंग करनी है तो आपको है ना व्हील को कितना डिग्री घुमाना है या कितने स्टेप उसको चलाना है, तो उसकी फीडिंग दी जाती है भरण, 1 mm चलाना है, 2 mm चलाना है, या 1 mm पे कटिंग करनी है, 1 mm पे चूड़ी काटनी है, तो जो जैसे कि चूड़ी काटी जाती है, शाफ्ट हो गई, इसके ऊपर हम लोग जो चूड़ी काटते हैं, तो इसके बीच के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग पिच बोलते हैं, तो ये डिस्टेंस ये कितना होना चाहिए, तो उस बेस पे हम लोग ऐसे ना सिस्टम को फीड देते हैं, भरड़ देते हैं कि हर 1 mm पे ये चूड़ी कटनी चाहिए, तो हम लोग फीड देंगे 1-1 mm की या 2-2 mm की, तो ये सारी चीजें फीड कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका MCU मशीन कंट्रोल यूनिट जो कि ब्रेन होता है, और उसके बाद आता है लास्ट मशीन टूल। ये सीक्वेंस चलता है इस तरीके से, सीक्वेंस हमारा चलता है, पार्ट प्रोग्राम, टैप रीडर, मशीन कंट्रोल यूनिट एंड मशीन टूल। ठीक है, अब इसमें मशीन कंट्रोल यूनिट, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता है कि ये ब्रेन की तरह काम करता है, सारे इंस्ट्रक्शन इसमें फीड होते हैं। अब मेन जो आपको समझने का है थ्योरी में लिखने का, वो ये है कि टैप रीडर क्या होता है और पार्ट प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टैप रीडर को एक बार दिखा देता हूँ मैं कि कैसा होता है आप लोगों को, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, या फिर आप लोगों को पहले थ्योरी पहले दिखा देता हूँ। चलो देखिए, इस टाइप से कुछ रहता है ये टैप रीडर, इमेज आई होप क्लियर दिख रही हो सबको, देख लीजिए आप लोग सभी, और देखा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा
कि आप लोगों ने इस टाइप की कोई चीज़ देखी हुई है कि नहीं। ये जो होल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये जो होल्स हैं ये, ठीक है, इसी में हमारी इंफॉर्मेशन, ये इस टाइप के होल्स हैं, ये यहाँ पर होल्स बना रखे हैं, ये हमारी एक स्ट्रिप है। इन्फॉर्मेशन जो जाती है वो इसी फॉर्म में जाती है, ठीक है। यहाँ कोड डिकोड होता है, कोडिंग डिकोडिंग चलती है यहाँ पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन होल्स के थ्रू ही जाती है, और इन्फॉर्मेशन की सबसे छोटी जो इकाई है, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है मशीन के थ्रू कोई काम करवाने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है, BIT, और एक बिट में 8 बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन की यानी कि सूचना की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, बिट होती है, और एक बिट जो होता है वो 8 बाइट के बराबर होता है। यानी कि एक बिट, फिर 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, इस तरीके से टोटल 8 हो जाएंगे, तो वो 8 बाइट्स बन जाएंगे, जो एक बिट के बराबर होता है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन जो भेजी जाती है वो बिट के फॉर्म में भेजी जाती है, जो जो सूचना भेजने की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जो हमारी कंप्यूटर्स में, प्रोग्राम्स में, और जो सिग्नल्स में जो हम लोग सूचना भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, वो बिट के फॉर्म में भेजते हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई इन्फॉर्मेशन भेजने की बिट होती है, क्लियर। तो ये हमारा, इस तरीके से हमारा टैप रीडर होता है, इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन सेट होती है, इन्फॉर्मेशन को ये रीड करता है। टैप रीडर मतलब, रीडर मतलब पढ़ने वाला, रीड करने वाला। तो इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन सेट होती है, इन्फॉर्मेशन को रीड किया जाता है, और उस बेस पे फिर एक्शन परफॉर्म होता है, या ऑपरेशन मशीन परफॉर्म करती है। कोई मशीन को ऑपरेशन या एक्शन परफॉर्म कराने के लिए उसको ये पता तो होना चाहिए ना कि उसे ऑपरेशन परफॉर्म कौन सा करना है, और परफॉर्म करने के लिए वो या तो कंप्यूटर 0 समझता है या 1 समझता है, यही वाली लैंग्वेज समझता है, बाइनरी डेसिमल वाली लैंग्वेज। तो जो बिट होती है ना वो 0-1 के फॉर्म में ही होता है। तो ये हमारा 0-1 के फॉर्म में हम लोग इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, सूचनाएं देते हैं, और उसके यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग होती है, और उसको फाइनली ये पता पड़ता है कि अब हमें कटिंग करनी है, क्या करना है मशीन को, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, टैप रीडर होता है। एक तो इमेजेस में और दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से होता है, देखिए यहाँ पे कोडिंग, यहाँ से डिकोडिंग कोडिंग चलता है, ठीक है। ये स्ट्रिप चलती है, इसी में हमारे इन्फॉर्मेशन होते हैं बिट्स के फॉर्म में, इसमें इन्फॉर्मेशन चलती है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग होता है, यहीं पे पता पड़ता है कंप्यूटर को कि वो मतलब कटिंग करना है, क्या करना है, ठीक है। ये कीबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, ये कीबोर्ड है, और यहाँ से ये स्ट्रिप यहाँ से पास होगी, ये सिग्नल्स इसके अंदर है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ आएगी, प्रोसेसिंग होगा, और वो यहाँ से निकल जाएगा फिर, ठीक है। तो मेन जो काम होगा, मेन जो वर्क हो रहा है, वो यहाँ पर हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, टैप रीडर होता है। इस इन्फॉर्मेशन को रीड करने का जो काम होता है वो सीएनसी एनसी मशीन्स में टैप रीडर का होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को हमने इस पर पंच तो कर दिया, अब ये पंच कार्ड के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे जो होल्स हैं आप देख रहे होंगे, ये पंच के फॉर्म में होते हैं, होल्स हो रखे हैं इसमें, इसी में इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन इसी में सेट की जाती है। तो जैसे जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोसेसर ये टैप रीडर के बीच में से पास जाएगी, तो हम लोगों को पता पड़ जाएगा, ये मशीन को पता पड़ जाएगा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब ये अगर मान लो जी कटिंग ऑपरेशन करना है, तो हम लोग कटिंग का इसमें ना मतलब कि बिट के फॉर्म में कटिंग की इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, फिनिशिंग करनी है तो फिनिशिंग की इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिकोड होती है, कोड डिकोडिंग का काम यहाँ होता है, डिकोड होने के बाद कंप्यूटर उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है और मशीन कटिंग करना शुरू करती है, ठीक है। कुछ इस टाइप से रहता है, यहाँ पर हमारे मशीन, ये हमारी बाइट्स के फॉर्म में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है, इस तरीके से यहाँ पे डिकोड होता है फिर वो, और उस यहाँ पे मशीन वर्क करती है। तो आपको टैप रीडर आई थिंक समझ में आ गया होगा, टैप रीडर का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को रीड करने का, यानी हम लोगों ने जो डेटा उसको दिया है उसको रीड करेगा, उसके यहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो और उसके बाद आता है पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पार्ट प्रोग्राम इसे समझ लीजिए, पार्ट प्रोग्राम का मेनली जो वर्क होता है इसका, अगर मैं एक नाम में अगर इस वाले पूरे टॉपिक को खत्म करूं पार्ट प्रोग्राम को, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सूचनाओं का
समूह, कटिंग। अब कौन कौन सी सूचनाएं होंगी वो डिपेंड करता है कि मशीन से आप लोग किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो, ठीक है। अगर मशीन सिर्फ एक बार में कटिंग ही कटिंग करेगी तो आप लोग समझ जाइए कि क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। और अगर मशीन सिर्फ फिनिशिंग करेगी तो फिनिशिंग के लिए हम लोग सूचना देंगे उसको, कटिंग की होगी तो कटिंग के लिए सूचना देंगे उसके लिए। तो डिपेंड करता है कि आप लोग मशीन से किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हो, तो उसी टाइप का इंस्ट्रक्शन, उसी टाइप का मैसेज, उसी टाइप का इन्फॉर्मेशन हम पार्ट प्रोग्राम को देंगे या पार्ट प्रोग्राम में सेट करेंगे, ठीक है। इसका काम सिर्फ प्रोग्राम को सेट करना है, रीड करना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ सेट करने के लिए दिया जाएगा हम लोगों को। जैसे कि होता है चिप होती है, तो चिप में डेटा सेट किया जाता है, ठीक है। उसे पढ़ने का काम टैप रीडर या पंच कार्ड का होता है, ठीक है, टैप रीडर का होता है। वो काम सिर्फ पार्ट प्रोग्राम का, मतलब सिर्फ डेटा को स्टोर करना या डेटा को स्ट्रक करना, सेट करना, वो सारा काम पार्ट प्रोग्राम का रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम लोगों को पार्ट प्रोग्राम में फीड करनी होती है। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे मान लीजिए मशीन चल रही है, ये मेरी सीएनसी मशीन का एक पैनल है जिसमें कटिंग टूल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब इस मुझे क्या करना है, मेरे को एक ऑपरेशन ये वाला परफॉर्म कराना है, ठीक है। ये अंडरकट है, ये प्लेट है, मतलब ये मेटल की प्लेट है जिसको मैंने मशीन पर लगाया है। और मुझे इस मतलब इनिशियली जो प्लेट थी वो मेरी ऐसी थी, और मुझे ऑपरेशन कराने के बाद, सीएनसी मशीन कराने के बाद इस टाइप की मशीन, इस टाइप का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस वाले में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, तो इसमें क्या है, देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट नहीं है, और मुझे इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन कराना है। तो इसमें मुझे यहाँ पे दो ऑपरेशन कराने हैं। सबसे पहले तो फिनिशिंग होगी, ये मानी जो मेटल होगी, अगर इसके ऊपर की पूरी रस्टिंग होगी, जंग लग रही होगी, तो सबसे पहले हम उसको फिनिश कराएंगे। फिनिश कराने के बाद क्या होगा, हम लोग इस पे ऐसे अंडरकट करेंगे, उसके बाद फिर ड्रिलिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तीन ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें हमारा, सबसे पहले फिनिशिंग करा देंगे, क्योंकि आप लोगों ने लेथ मशीन पे भी किसी रॉड पे ऑपरेशन किया होगा या मशीनिंग ऑपरेशन किया होगा, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया होगा, उसकी जो प्लेट की सरफेस होगी उसको फिनिश किया होगा, कटिंग टूल से फिनिश किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिनिशिंग करा देंगे, पहला ऑपरेशन तो ये हो गया। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, जैसे ही कटिंग टूल यहाँ से चलना शुरू होगा, पहले तो पूरी फिनिशिंग कर देगा, कटिंग टूल यहाँ से चलना, हम लोगों को यहाँ से दिखाई देगा ये कटिंग टूल है, और ये हमारा वर्क पीस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, चक में लगा होता है, स्पिंडल में लगा होता है। कटिंग टूल हमारा यहाँ से चलना शुरू होगा, और यहाँ पर आगे हमें, अब ये कितने एमएम का है, हमें कितने डेप्थ चाहिए, इसकी गहराई कितनी है इसका, और इसका डायमीटर कितना है, वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ सेट करेंगे, पार्ट प्रोग्राम में, ठीक है, कि हमें इसका डायमीटर कितना रखना है, इस ये कितने से कितनी लेंथ तक हमें इसे कट लगाना है। तो जैसे ही हमारा पार्ट प्रोग्राम अब ये रीड करेगा, ठीक है, कटिंग टूल रीड कहाँ कौन करेगा, टैप रीडर। टैप रीडर क्या करेगा, जो हम लोगों ने पार्ट प्रोग्राम को डेटा दिया था कि भाई इतने का डायमीटर होना चाहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पे इतना भी मुझे एक अंडरकट चाहिए, तो वो मैंने पंच कार्ड या टैप रीडर के फॉर्म में मैंने क्या किया, उसको उसमें सेट कर दिया, ठीक है, सॉरी पार्ट प्रोग्राम में मैंने सेट कर दिया। और अब टैप रीडर जो है इस प्रोग्राम में सेट किए हुए इंस्ट्रक्शन को या डेटा को रीड करेगा। रीड करने के बाद पे कटिंग टूल बाद में आता है, मशीन कंट्रोल यूनिट आती है, फिर मशीन कंट्रोल यूनिट उस हिसाब से उसे रिस्पॉन्ड करती है, और वहां से हमारे पास सिग्नल आता है कटिंग टूल को, कटिंग टूल फिर उस हिसाब से कटिंग करता है, ठीक है। तो हमारा कटिंग टूल यहाँ तक पहुंच गया, इसने पार्ट प्रोग्राम से डेटा को देखा, ठीक है, स्कैन किया, उसके बिहार पे फिर टैप रीडर ने उसको रीड किया, पार्ट प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन हमने सेट किया, और फिर मशीन कंट्रोल यूनिट यानी ब्रेन ने उसे सिग्नल दिया कि भाई यहाँ पर है ना इतने बाय इतने का हमको एक कट लगाना है, कट लगा दिया कटिंग टूल ने, फिर उसके बाद वापस आ जाएगा, सीधा सीधा चलना है, सीधा चल रहा है, इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हमारा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ कट ही लगा है, ड्रिलिंग नहीं हुई है। अब उसमें हमने क्या किया, पार्ट प्रोग्राम में अब हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन को सेट करेंगे, ड्रिलिंग का प्रोग्राम सेट करेंगे या ड्रिलिंग का इंस्ट्रक्शन सेट करेंगे। उसके लिए एक यूनिट है, इसमें तीसरी यूनिट है, पार्ट प्रोग्राम वाली यूनिट है, उसमें पता पड़ जाएगा कि ड्रिलिंग के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है। कोडिंग होती है इसमें, कोडिंग डिकोडिंग आप समझ सकते हो, कोड किया, सेट किया, और यहाँ पे आगे डिकोड हो गया, मतलब वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो डिकोड होने के बाद हमारे पास ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो जाता है। तो वही सारी चीजें हैं, तो फिनिशिंग हो गया, अब ड्रिलिंग कर लेंगे, तो ड्रिलिंग का पार्ट प्रोग्राम में हम लोग प्रोग्राम सेट कर देंगे, फिर टैप रीडर उसे रीड करेगा, फिर मशीन कंट्रोल यानी उसका ब्रेन जो है मशीन का, वो क्या करेगा, उसे सिग्नल देगा कटिंग टूल को कि अभी हमारा एक ड्रिलिंग ऑपरेशन ऑन रह गया है। तो ड्रिलिंग इस वाले होल का डायमीटर कितना है, ये कितनी बाई कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो सूचनाएं हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, पार्ट प्रोग्राम को दे रहे हैं। पार्ट प्रोग्राम में ये सारी सूचनाएं सेट की जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन सेट किए जा रहे हैं, कहाँ अंडरकट लगेगा उसका डायमीटर कितना होगा, कहाँ ड्रिलिंग होगा उसका डायमीटर कितना होगा, कितनी डिस्टेंस पे होगा,
कितनी डेप्थ पे होगा। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, वो सेट कहाँ की जा रही हैं? पार्ट प्रोग्राम में सेट की जा रही हैं। पार्ट प्रोग्राम में सेट होने के बाद टैप रीडर क्या करता है, उसे रीड करता है। रीड करने के बाद सीपीयू यानी कि जो मशीन कंट्रोल यूनिट जो उसका ब्रेन है, वो उसे रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने के बाद इंस्ट्रक्शन किसको देगा, कटिंग टूल को देगा। कटिंग टूल उस बिहा पे आपका वर्क पीस को कट करके फाइनली आपको दे देगी। तो ये सारी चीजें इस एनसी मशीन में होती है, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारा एक फीडबैक डिवाइस होता है। फीडबैक डिवाइस हमारा एनसी मशीन में नहीं यूज किया जाता है। एनसी मशीन में हमारा फीडबैक डिवाइस नहीं होता, वो यूज किया जाता है सीएनसी मशीन में। अब इसमें क्यों यूज नहीं होता, सीएनसी मशीन में क्यों यूज होता है, वो डीपली है, अंदर जाके थोड़ा हम लोग उसे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी बेसिक समझाना था कि पार्ट प्रोग्राम क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है, टैप रीडर आपको बताई दिया, जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पार्ट प्रोग्राम में सेट किए हैं, जो हमने पार्ट प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन सेट किए हैं उसको रीड कौन करेगा, टैप रीडर रीड करेगा। रीड करने के बाद वो वाला जो डेटा है वो किसके पास आएगा, फीड आएगा किसके पास आएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट के पास यानी ब्रेन के पास आएगा। ब्रेन के पास आ चुका है डेटा कि भाई हमको खाना खाना है। अब खाना खाने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हाथ चलाना है, मुंह चलाना है, कितना पीस बाइट करना है, कितना पीस तोड़ना है ना, वो सारी चीज़ें। तो वो अब मशीन कंट्रोल यूनिट के पास आ चुका है। अब मशीन क्या करेगा, मतलब जो ब्रेन है वो कहाँ किसको सिग्नल देगा, वो हाथ को सिग्नल देगा या मुंह को सिग्नल देगा कि ऐसे ऐसे हम लोगों को रेस्पॉन्ड करना है। तो वो सिग्नल किसको देगा, मशीन टूल को देगा। और मशीन टूल को जैसे सिग्नल मिलेगा वो अपनी कटिंग शुरू कर देगा। और फाइनल जहाँ तक हमको कटिंग पैरामीटर हम लोगों ने इस पार्ट प्रोग्राम में सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग कटिंग टूल हमारा पैरामीटर के बेस पर सारी चीज़ें कट करके आपको फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। तो ये मेन पार्ट होते हैं एलिमेंट्स या एनसी मशीन के, मशीन कंट्रोल यूनिट जो ब्रेन है, टैप रीडर जो रीड करने का काम करता है इंस्ट्रक्शंस को, पार्ट प्रोग्राम जिसमें इंस्ट्रक्शंस सेट किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, और उसके बाद लास्ट आता है मशीन टूल। तो ये आपका, अब आप आसानी से या तो इस बेस पे इसके पार्ट्स लिख लीजिए, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसे बनाओ तो आप लोग सीक्वेंस वाइज बनाइए और एक एक करके वन बाई वन इसको हेडिंग वाइज समझा दीजिएगा, ठीक है। तो ये एनसी मशीन हो जाती है। अब एनसी मशीन के बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और एडवांटेज क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। ये जो तीन हेडिंग्स है ना, पहली है मशीन, तो आप लोगों को पढ़नी है तीन, एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी। एनसी मशीन में क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब तीनों के लिए आपको एक चीज कॉमन रखनी है, इनके लाभ हानियां, इसकी सीमाएं, क्योंकि हर मशीन की अपनी एक सीमा है काम करने की सीमाएं, और लास्ट इनके अनुप्रयोग। क्योंकि लास्ट ईयर का आप पेपर देखेंगे तो उसमें एनसी सीएनसी डीएनसी मशीन के बारे में पूछा तो है, लेकिन उनको इनके साथ पूछा है, तब जाके 5 नंबर में वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये 4 चीजें ध्यान रखनी है, किसी भी मशीन को आप उठाओगे या एग्जाम में पूछ रहा है तो चारों चीजें आपको लिखनी है। डायग्राम अच्छे से बना दो, उसके बाद उसकी थ्योरी को चाहे 2-3 लाइनें कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम अच्छी चीजें रिस्पॉन्ड कर देता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये सारी चीजें लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये लिखा है क्योंकि क्या क्या जाएगा, लाभ में है ना, आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखोगे, 2-3 चीजें पॉइंट्स के फॉर्म में ज्यादा मतलब रिकवर होती हैं, ज्यादा कवर अप होती हैं। लेकिन लाइंस के फॉर्म में क्या होता है, पैराग्राफ के फॉर्म में आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, कोई पढ़ नहीं रहा उसे, उस वे में आप मार्क्स फिर आपको मिलेंगे नहीं। फिर आप बोलोगे सर पेपर तो पूरा करके आए थे, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन मार्क्स नहीं आए। वो रीजन ये है कि आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंट करने कॉपी का जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। देखिए पेपर सब लिख रहे हैं, पास भी मोस्टली बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कॉपी को अच्छे से कौन लिख रहा है, मार्क्स वो अचीव करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो एनसी मशीन ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें कवर अप करा चुका हूँ, कौन कौन से एनसी मशीन के पार्ट्स होते हैं सारी चीज़ें वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीएनसी मशीन की तरफ बढ़ेंगे। सीएनसी मशीन को अभी मैं दिखा देता हूँ, सीएनसी मशीन दिखती कैसे है, ओवरव्यू दिखा दूंगा, लेकिन जो डिटेल में जैसे एनसी मशीन के बारे में बताया है, इसमें हमारी एक चीज़ नहीं थी, फीडबैक डिवाइस इसमें नहीं थी। ध्यान रखिएगा कहाँ पे फीडबैक डिवाइस यूज़ की जा रही है, कहाँ पे फीडबैक डिवाइस नहीं यूज़ की जा रही है, डिपेंड करता है मशीन का नाम उसी के ऊपर। जहाँ फीडबैक डिवाइस नहीं यूज़ होगा आप तुरंत बोल दीजिएगा ये एनसी मशीन है, जहाँ यूज़ हो रही है दैट मीन वो सीएनसी मशीन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आपका होगा तो हम लोग सीएनसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर डीएनसी मशीन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बार ये तीनों मशीन जब कवर अप हो जाएंगी तो फर्स्ट यूनिट का 50% पार्ट कवर अप हो जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा मतलब प्रोग्रामिंग का पार्ट इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ ऐसे मशीन टूल्स के बारे में पढ़ना है, और कुछ सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स सीएनसी एनसी मशीन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से मटेरियल हैं जिनके ऊपर हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं। हर मटेरियल के ऊपर तो नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी कास्ट आयरन के बारे में बताया था कि भंगुर धातु होती है, उस पर हम लोग मशीनिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो हल्के से ही फोर्स पे छोटे टुकड़ों में पार्ट्स में टूट जाता है। तो कौन कौन से ऐसे सिलेक्टेड मटेरियल्स हैं,
चुनिंदा मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग इन मशीन के थ्रू मशीनिंग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो लेक्चर। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा आप लोगों को एनसी मशीन और जो मैंने ऑटोमेशन का पार्ट पढ़ाया आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में, इंट्रोडक्शन ऑफ द एनसी मशीन एंड सीएनसी मशीन, कितना आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि आप लोगों का ही रिस्पॉन्स मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं और कितना अच्छा बेटर आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आप लोग सीएनसी की मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।